Hey guys, what's up? Welcome back to my Margaret channel. So, आज हम सीखने वाले हैं पुआ कैसे बनाते हैं. ये पुआ जो मैंने बनाया था ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, सॉफ्ट बना था और बहुत अच्छा बना था. So, without further any ado, let's get started. एक बाउल में मैंने 2 कप सूजी लिया है. इसके बाद मैंने इसमें 1 कप पानी डाला था और हम इसे 2 घंटे के लिए फूलने के लिए छोड़ देंगे. 2 घंटे बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा. पानी इसमें पूरा सोख लिया है. अब हमें इसे बस मिलाना है. 4-5 मिनट के लिए हमें कुछ इसे इस तरह से मिलाना है. सो ये जो बैटर है ये हमें तब तक मिलाना है जब तक ये पतला ना हो जाए. आप इसे 4-5 मिनट के लिए मिलाएंगे तो ये जो बैटर है ये पतली हो जाएगी. सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा बैटर ऑलमोस्ट हो चुका है. ये जब हो जाए तो फिर अब हमने इसमें 1/2 कप इसमें मैंने मैदा डाला है, 1/2 कप इसमें मैंने कोकोनट पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैं इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसके बाद मैंने इसमें 1/2 कप इसमें मिल्क डाल के हम इसे मिला लेंगे. अच्छे से हम इसे मिला लेंगे और इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी डाला है. आप अपने हिसाब से चीनी को कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं. इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे. मेक श्योर जो हमारा बैटर है इसमें कोई लम्स ना हो और आप इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से अगर आप मिला रहे होंगे इस तरह से तो इसमें कोई लम्स भी नहीं होगा और ये बैटर बहुत ही पतला सा होगा. जब आप अच्छे से इसे मिला लिए होंगे तो फिर अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे. आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं. मैंने इसमें कुछ छोटा कटा हुआ बादाम डाला है और ब्लैक किशमिश और इसमें मैंने कुछ किशमिश भी डाले हैं. सभी को मैं बहुत ही अच्छे से मिला लूँगी और इसमें हमें और कुछ नहीं करना है. बस 2-3 मिनट के लिए इसे बस अच्छे से मिला लेना है और हमारा जो बैटर है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा. ये जब हो जाएगा तो फिर मैं अपने पैन में 1 कप तेल डालूँगी और हम अब इसे गर्म होने देंगे. अच्छे से हम अपने पुए को डीप फ्राई करेंगे. पुआ का बैटर डालने से पहले मैंने इसमें एक छोटा ड्रॉप बैटर का डाल के तेल में चेक किया तेल गर्म है या नहीं. वो इस तरह से बबल आने लगे तो उसे निकाल लेंगे और हम अपना बैटर डालना स्टार्ट करेंगे. बैटर डालने से पहले अपनी फ्लेम को थोड़ा कम कर लेंगे और इसके बाद मैं अपने बैटर को डालूँगी. बैटर डल जाएगा तो उसके बाद मैं इसके जो फ्लेम है उसके बाद में इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे रखेंगे. ये जब ऊपर से थोड़ा थोड़ा फूलने लगे तो आप इस तरह से इसे निकाल के आप इसे टर्न दे दें. बहुत ही केयरफुली आप अपने पुआ को इस तरह से कुछ उसे पलट दें. अगर आपका पुआ जो है वो फ्राई हो चुका होगा एक साइड से बहुत ही अच्छे से तो वो बहुत ही ईजिली निकल जाएगा और आप उसके बाद उसे आराम से पलट सकते हैं. ये दोनों साइड से जब बहुत ही अच्छे से रेड हो जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में ये बहुत ही अच्छे से रेड हो चुके हैं दोनों साइड से. तो इसके बाद मैंने 2 स्पैचुला लिया है. कोई भी आप 2 स्पैचुला ले लें और उसे इस तरह से उसे पकड़ लें और ऐसे आप उसे स्क्वीज कर लें. इस तरह से इसे दबाने से इसका तेल पूरा निकल जाता है और आप इसके बाद इसे अपने नैपकिन में रख लें. आप चाहे तो एक साथ दोनों भी ले सकते हैं ऐसे और इसे बहुत ही अच्छे से स्क्वीज कर लें, अच्छे से इसे दबा लें. इससे सारा तेल इसका निकल जाता है और इसे नैपकिन में रख दें और ये बिल्कुल रेडी है सर्व के लिए. इसे मैंने कुछ अचार के साथ डेकोरेट किया था. आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है. बेसिकली ये होली में बनता है, मैंने अभी बना लिया क्योंकि मेरा बहुत मन था खाने का. सो आई थॉट टू शेयर इट विथ यू गाइस. Do try this at your home and if you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for my next video and thank you so much guys.